নিয়ে নিচ্ছে একটা। হ্যাঁ কি ভালো খেতে চাই। বাবা দেখো লাস্ট মোমেন্টে মা যখন গেল। সারা বছরই মনে হচ্ছে ফুল হবে, সারা বছরই মনে হচ্ছে ফুল হবে। কোথায়? না না ঠিকই আছে। के अंदर हम लोग ने सरसों का तेल दे दिया था और यहाँ पर आज हम लोग पकाएंगे टेंगड़ा मच्छ। तो पंखा चला लेते हैं और अभी इसके अंदर मच्छी दे देंगे। और ये हमारा शील्ड तैयार है क्योंकि ये बहुत बस्ट करता है ना फूल। अब सुन पाते हैं? देखिए सुनिए, इधर से निकल रहा है। हाँ तो इसको फ्राई करके आते हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का फ्राई होता है। हाँ, तो कम कर दिया। हाँ गुड आफ्टरनून दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं यहीं से। और आज बहुत दिनों के बाद टेंगड़ा माछ फिर से लेके आई है अदिति के पापा। लेकिन आजकल ना माछ सब बाहर निकल जाता है क्योंकि इतना अपने ही रेंज में नहीं खा सकते पा सकते हैं। तो बाजार जाने के बाद बहुत ही कम मिलता है सब मछली। तो सब क्योंकि यहाँ पर उतना चाहिदा नहीं है, उतना बंगाली लोग नहीं रहते इधर। बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। हाँ तो इसलिए नॉन बंगाली लोग तो उतना नहीं जानते ये सब मछली पकाने के लिए, तो ज़्यादा नहीं मिलता है। हाँ तो आज बहुत ही अच्छा टेंगड़ा माछ लेके आई है। इसको एक तरह का कैटफिश भी बोलता है, उसी प्रजाति का। देखिए सबके अंदर अंदर है, बहुत सुंदर है माछ। और ये मछली ही अदिति के पापा लेके आते हैं। दूसरा ये टेंगड़ा मछली का दूसरा था प्रजाति होता है। हाँ आइटम स्पीशीज, दूसरा स्पीशीज होता है। हाँ तो वो लेके नहीं आता है, जब भी यही सा मछली मिलता है तो यही लेके आता है। तो ये वाला अच्छा है कि वो वाला कैसा है? ज़्यादा बस्ट आ रहा है। मम्मी वो वाला मछली क्या क्यों नहीं लाते? की बोल छो तुम्ही? अन्य प्रजाति माछ आने ना तो भालो ना होतो। हाँ गंद निकलता है उस टेंगड़ा मछली। वो क्या ज़्यादा काला काला होता है? नहीं व्हाइट होता है वो, अलग लगता है खाने में, अच्छा टेस्ट नहीं। देख के कैसे पहचानेंगे? व्हाइट होता है, लंबा तरीका होता है उसका, पूंछ थोड़ा सरु होता है और वो व्हाइट वाला होता है। अच्छा अच्छा काटेगा तो चलिए अभी मसाला कर लेते हैं। मसाला के अंदर मैं दे दूंगी थोड़ा सा हरी मिर्च, क्योंकि हम लोग हरी मिर्च ये सब मछली में देना क्या बोलते हैं ना, करते। हाँ मिर्ची नहीं होगा तो नहीं, सूखी मिर्ची नहीं देती। ओ हाँ हाँ वो भी एक बात है, नहीं सूखी मिर्च आप वो दूसरा वाला प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट आई थिंक हरी मिर्च का टेस्ट हम लोग को ज़्यादा पसंद है। नेचुरल एक टेस्ट जो आता है ना वो अच्छा लगता है। तो हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा अदरक, तो सिर्फ यही पेस्ट कर लेंगी अभी, फिर बाद में दिखाऊंगी और क्या मसाला देता है। सीक्रेट वाला जो मसाला है, मतलब हम लोग ने चट जल्दी बना के रखा है ना, वो आप लोग को थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। घाटी वाटी तो दीते बोले रही है बाबा। हाँ वो जो आज कल दिन तो पापा ने बोला है आज कच्चा किला से ये टेंगड़ा माछ पकाने के लिए। तो हम लोग दो आलू भी दे देंगे क्योंकि आलू चाहिए होता है ना। तो मैं ज़्यादातर ना ये चाकू से और छिल्ली से ही सब्जी काट लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बैठने में तकलीफ होता है और नीचे बैठ के ज़्यादा सब्जी नहीं होता है, इसलिए जब ज़्यादा होता है
और सबसे ज्यादा वो डाटा, उसको क्या बोलता है हिंदी में, जो भी पुली, पुली कुछ बोलते हैं जो लंबा लंबा होता है ना, आप लोग को पता है सब्जी का डाटा जो इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं। हाँ, तो उसको बनाने में मुझे थोड़ा बैठना पड़ता है, लेकिन ये सब मैं, तो आप लोग को अगर नहीं आता है कि कच्चा केला कैसा खाना है, आप लोग ऐसे देखकर ऐसे बना सकते हैं। हाँ, मतलब ज्यादा करके आउटर जो पील होता है हाँ, वो आपको फेंक देना और फिर ऐसे आपको काट के इसको उबाल लेना है। दो पीस हम लोग क्या पहले उबालेंगे? नहीं नहीं, इसको मैं डायरेक्ट पानी के अंदर देंगे, हल्दी नमक हल्दी पानी में भिगो के रखते हैं और फिर हम लोग झोल के अंदर दे देंगे मच्छी के जो पानी रहेगा। पाई किस बोलते मच्छी हो गया अच्छे से हल्का ब्राउन ब्राउन, देखिए एकदम कोई कच्चा नहीं है। हाँ, हम लोग थोड़ा पकाते हैं ज्यादा। आप लोग पापा नहीं खाते हैं कच्चा मछली? हाँ। तो और ये सब मछली ना थोड़ा पका के खाना ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर हमने हल्दी से भिगो के रख दिया है कच्चा केला, तो अभी ये थोड़ी देर जब तक हम लोग नहीं पकाना शुरू करेंगे ये भिगो के ही रखेंगे। मच्छी भुन चुका है, फिर हम लोग उसको उठा के उसी तेल के अंदर हम लोग ने कलौंजी दे दिया है। अभी आलू दे देंगे, आलू देने के बाद अभी इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं और आलू के साथ आलू दो मिनट, आलू को दो मिनट भून के फिर इसके अंदर जो कच्चे पहले कच्चा केला जो भिगो के रखा था वो दे देंगे, वो भी थोड़ा सा भूनेंगे। और आप चाहे तो ये बैंगन भी दे सकते हैं, तो आदिति बैंगन नहीं खा रहा है इसलिए दे दीजिए। हाँ, इसके अंदर हम लोग ने कच्चा केला भी दे दिया है, हल्का सा भूनेंगे फिर मसाला देंगे इसके अंदर। हल्दी भी देना है ना थोड़ा सा। हालत हो चुका है हमारी गैस का, क्या बताओ। और अभी इसके अंदर धीरे धीरे मसाला जाएगा, हरी मिर्च जाएगा। ये हरी मिर्च जब पक जाता है तो ये ना वो चावल के अंदर देखे, हाँ घिस के खाने से बहुत अच्छा लगता है, मतलब जिसको तीखा पसंद है उसको। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा जीरा पाउडर देंगे, बस एकदम थोड़ा सा दिया। तो थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर पानी दे देंगे, ओ जीरा का फ्लेवर जब तक नहीं जाता ना, मतलब कच्चा फ्लेवर जो रहता है, कच्चापन नहीं जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो तब तक आपको भून लेना है ये वाला। अभी इसके अंदर पानी दे देंगे, आपको अंदाजे से पानी देना है क्योंकि जो कच्चा केला है वो थोड़ा समय लगता है पकने में, है ना? नहीं तो आलू ज्यादा टाइम लगता है। हाँ। ओ, तो आलू के लिए और फिर मच्छी भी जाएगा। हाँ। तो वैसे थोड़ा सा झोल झोल रहेगा तो ये वाला अच्छा लगता है। हाँ। ये वाला वैसे ही रेसिपी है कि थोड़ा पानी पानी रहेगा। हाँ। तो अभी ये उबलने के बाद हम लोग इसके अंदर ये मच्छी ऐड कर देंगे, उबालेंगे तो 10 मिनट इसको उबाल लेंगे, फिर 5 मिनट मछली देके उबालेंगे। हाँ,
फिर हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग जो हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था वो दे देंगे। तो आप लोग ये पहले भी दे सकते हैं, जब ये आलू और कच्चे केले भुनेंगे तभी भी दे सकते हैं, और अभी हम लोग दिए हैं तो इसको अच्छे से उबाल लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना। इसके अंदर कोई मसाला रहता तो प्रॉब्लम होता। मैं बिलपुर में देखी थी सच में कि वो लोग ऐसे बना के फिर अदरक उतारने से पहले अदरक और हरी मिर्च दे रहे थे, तो मैं भी सोचा कि चलो ऐसे बना के खाते हैं। हाँ। तो चलिए और सेम रेसिपी थोड़ा सा अलग स्टाइल। तो चलिए अभी ये उबालेगा फिर आप लोग को दिखाएंगे। जितना देर तक उबालेंगे उतना टेस्ट होगा। तो उबल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद मछली। तो हो गया है बहुत टाइम, अभी इसके अंदर दे देना है मुझे। আমি তো আর খাবো না, ঠিক আছে। দশ মিনিট তক तो मछली कितना फूल गया है ना। अभी इसके अंदर थोड़ा मसाला देना है और थोड़ा सा नमक। तो पहले थोड़ा नमक दे देती हूँ। इसका सुगंध बहुत ही, पिछले दिन भी मम्मी वो मछली पकाई थी तो बहुत टेस्टी हुआ था, बहुत ही अच्छा आएगा। हाँ। तो अभी ये 5 से 10 मिनट उबलेगा उबलेगा तो फिर इसको बंद कर देंगे, है ना। दिया था, अभी खोल के पकाना है, ढक के रखे थे। हाँ। अभी थोड़ा खोल दिया है, फिर इसके अंदर तो हमने उतार लिया है ये वाला मछली भी देखो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, सुगंध भी अच्छा आ रहा है। हाँ। तो चलो अखन रिमि भात बाड़छे और भाईर जन्य। तो ভাইরকম না শর্টে কর আমাকে তুলিস না। তো আগে কি মাছের তেল দিয়ে খাবি? নোংরা ফেলে দাও, দেখে দাও, ওই যে ওটা আস। तो मम्मी ने जो टेंगरा मच बनाया था
वो मैं अभी रात को खा रही हूँ। और मम्मी ज़्यादातर वक्त तो एक ही तरह का बनाती है, तो मतलब ये पतला वाला जो है, बट आज का जो रेसिपी है वो एक ही तरह का होकर भी थोड़ा सा अलग है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो हरी मिर्च का स्वाद है ना, वो इतना अच्छा आ रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। और ना ना ना, और ये जो मच्छी है, मच्छी के अंदर अंडा है। बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ मैं रात को आ गई हूँ। खाना हमें हमारा हो गया है डिनर, और अभी हम लोग कर रहे हैं एडिट। उधर मेरा बेटा, इधर बेटी और मैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा बात बोलने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए और आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर खाना बनाने के लिए मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों को, लोगों का। तो चलिए, आज का व्लॉग कैसा लगा और ये रेसिपी आप प्लीज़ क्या बोलूँ, बना के जो भी ताज़ा मछली हो ऐसा रेसिपी बना के आप लोग खाइए, और आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या, और कुछ क्या करूँ, और कुछ रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वो लोग यहीं पर रखते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग मेरा चैनल में बने रहिए और मेरा साथ दीजिए। तो चलिए, बाय, गुड नाइट, सुबह रात्रि, सुबह खैर, आप सब लोग अच्छे से रहिए, और फिर से कल से आ जाऊंगी एक नई व्लॉग लेके।